दोस्तों इंडिया आज वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट कार मार्केट है, जिसमें पहले पे है चीन, दूसरे पे यूएस, थर्ड पे यूरोप, फोर्थ पे जापान और फिफ्थ पे है इंडिया। इंडिया में केवल दो कार मेकर्स 60% से ज्यादा मार्केट शेयर पर कब्जा किए हुए हैं, और वो है मारुति सुजुकी एंड हुंडई। 1990 में ग्लोबलाइजेशन के बाद 5 साल के अंदर अंदर इंडिया में कई सारे कार मेकर्स आए, जिसमें मर्सिडीज बेंज, फिएट, जनरल मोटर्स, फोर्ड, होंडा, हुंडई और टोयोटा शामिल थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो कई सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज लाइक फोर्ड, जनरल मोटर्स, शेवरोलेट आज इंडिया को छोड़ के जा चुके हैं। टोयोटा भी अब मारुति के साथ कोलैब करके अपनी कारों को सेल कर रही हैं। दोस्तों ये सारे कंपनीज आज इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचा रही हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि यही कार मेकर्स आज इंडिया से क्विट करते जा रहे हैं? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों टिक नहीं पा रही हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट को समझना होगा। ये है 2016 से लेकर अब तक का सेल डेटा। जहां बात करें अगर पैसेंजर व्हीकल्स की, तो 2017-18 के कंपेयर में आज का सेल 6.66% कम हो गया है, जबकि ये नंबर्स घटने के बजाय बढ़ने चाहिए। और इसका मेन रीजन है कोरोना पैंडेमिक। अगर मोटा मोटा देखें तो 2016 से लेकर अब तक लगभग 30 लाख पैसेंजर व्हीकल्स हर साल सेल हो रही हैं। अब अगर हम लेटेस्ट 2021 से 22 के डेटा को देखें तो पता चलता है कि मारुति ने लगभग 13,31,000 गाड़ियां खुद अकेली बेची हैं, जो कि पूरे मार्केट शेयर का अकेला 43% है। वहीं हुंडई का मार्केट शेयर 15.78% और टाटा का 12.14 है। अब दोस्तों डेटा पर नजर डालें तो 2020 में अकेले मारुति का मार्केट शेयर 50% था, जबकि आज केवल 43% बचा है, जो कि 7% कम हो चुका है। अब दोस्तों लास्ट 2 डेकेड्स का डेटा अगर देखें तो पहले के समय में 100 में केवल 15 लोग ही एसयूवी गाड़ियां खरीदते थे, क्योंकि वो छोटी गाड़ियों के कंपेयर में महंगी होती हैं और उनका माइलेज छोटी गाड़ियों से कम होता है। लेकिन आज की अगर बात करें तो 100 में से 40 से भी ज्यादा लोग अब एसयूवी गाड़ियों को लेना प्रेफर कर रहे हैं, और ये नंबर्स अगले 3 से 5 साल में 50% को क्रॉस कर देगा। तो दोस्तों बात करें अगर मारुति की सेल लास्ट ईयर के कंपेयर में कम क्यों हुआ, तो उसका मेन रीजन यही है कि मारुति के अंदर अब तक एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियां काफी कम थी। दोस्तों अब इस बात से ये तो समझ आ गया कि एक आम आदमी ज्यादा पैसा देकर बड़ी गाड़ी को लेना ज्यादा प्रेफर कर रहा है। लेकिन फिर सवाल आता है कि इसके बाद भी इतने सारे कार मेकर्स इंडिया को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो दोस्तों इसके मल्टीपल रीजंस हैं। इसमें मैक्सिमम कार कंपनियों का कहना है कि इंडिया का टैक्स सिस्टम इसका सबसे बड़ा रीजन है। और आपने शायद टेस्ला का न्यूज सुना भी होगा कि हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से टेस्ला आज इंडिया में नहीं आ रही है। आज अगर कोई कंपनी इंडिया में अपनी 30 लाख से नीचे की कार को इंपोर्ट करती है तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर 60% इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। वहीं अगर इसका प्राइस 30 लाख से ऊपर का है तो इंपोर्ट ड्यूटी 100% हो जाएगा, मतलब 40 लाख की कार इंडिया आते आते 80 लाख की हो जाएगी। अब दोस्तों कार कंपनियों को अगर इसका तोड़ निकालना हो तो उनके पास केवल एक ही ऑप्शन था कि वो इंडिया में अपनी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करें। इस केस में कार के ऊपर लगने वाला जीएसटी 28% होगा। एडिशनली कार की साइज और लेंथ के अकॉर्डिंग उस पर 3 से 22% का सेस लगेगा। दोस्तों इंपोर्ट ड्यूटी से बचने का ये एक बेहतर उपाय था, और इसी वजह से फोर्ड, हुंडई, किया, होंडा अपने कार्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने लगे। लेकिन दोस्तों वही हम फोर्ड की बात करें तो फोर्ड तो इंडिया के अंदर 1995 में ही एंट्री ले लिया था, और लगभग तभी से मारुति, होंडा और हुंडई भी चली आ रही हैं। लेकिन आज मारुति टॉप पर है और फोर्ड इंडिया को छोड़ चुकी है। तो क्या सच में केवल टैक्सेशन ही मेन रीजन है जो आज कार कंपनियों को इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर रही है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। दोस्तों फोर्ड के केस में हुआ ये कि उन्होंने जो गाड़ियां इंडिया के अंदर लॉन्च की थी वो इंडियन बायर्स के हिसाब से नहीं बल्कि अमेरिकन बायर्स के हिसाब से थी। एक्चुअली फोर्ड एक अमेरिकन कंपनी है, और वो यूरोप और इंडिया जैसे कंट्री में अपनी कार लॉन्च तभी करती थी जब वो कार अमेरिका के अंदर सक्सेस हो जाती थी। और दोस्तों अगर हम अमेरिकन और इंडियन बायर्स को देखें तो हम में और उनमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। आज अमेरिका की पर कैपिटा इनकम इंडिया से काफी ज्यादा है, ऐसे में वो हमसे ज्यादा महंगी कार को अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि हम इंडियंस को कम पैसों में ज्यादा फीचर्स चाहिए होती हैं, और यही चीज फोर्ड इंडियंस को देने में नाकामयाब रहा। दोस्तों हमें लगता है कि फोर्ड और शेवरोलेट जैसी कंपनीज केवल इंडिया में ही फेल हुई हैं, लेकिन चाइना, यूएई और साउथ अमेरिका के कुछ देशों को छोड़ दें तो अमेरिकन कार कंपनी लगभग सभी देशों में फेल हो चुके हैं। दोस्तों अगर हम अमेरिकन बायर्स को देखें तो वहां पर लोग हाई पावर और बड़ी गाड़ियों को लेना ज्यादा पसंद करते हैं, एंड अगर सेम मॉडल को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाए तो वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम उन गाड़ियों को अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ऐसे में कंपनीज को जरूरत होती है कि वो उस पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से प्रोडक्ट पर आरएनडी करे, ताकि उस कंट्री के टैक्स रूल और कंज्यूमर डिमांड्स के हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सके। जहां फोर्ड ने अपनी कुछ कारें जैसे इको स्पोर्ट और एंडेवर पर ये टेक्निक आजमाया और ये तरीका काम भी किया। लेकिन दोस्तों जब प्रोडक्ट पर प्रॉफिट मार्जिन ही कम होगा तो आरएनडी जैसी चीजों पर खर्चा करना कंपनियों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है।
वहीं दोस्तों आज हम टोयोटा की बात करें तो ग्लोबली टोयोटा का मार्केट शेयर्स अकेले 13% है और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। लेकिन टोयोटा ने भी इंडियन मार्केट को वार्निंग दे दी है कि वो अब एक से दो कार को छोड़कर बाकी के कार्स मारुति के साथ कोलैब करके बनाएंगे, मतलब वो अब अपनी बिजनेस को इंडियन मार्केट में एक्सपैंड नहीं करेंगे। और दोस्तों उनका भी यही कहना है कि इंडिया का टैक्स सिस्टम कार मेकर्स के लिए फ्रेंडली नहीं है। दोस्तों अगर हम एक 1500 सीसी एसयूवी की बात करें जिसकी कीमत 9 लाख इंडियन रुपयो तो इसमें अराउंड 2,80,000 रुपए जीएसटी होता है। इसके बाद गवर्नमेंट रोड टैक्स ऊपर से लेती है जो कि अराउंड 60,000 रुपए होगा। वही कार कंपनी इस 9 लाख के कार पे केवल 30 से 50,000 रुपए ही कमा पाती है। तो दोस्तों ये तो है कि टैक्स की वजह से इन कार कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन काफी कम हो जा रहा है। अगर वो अपना प्राइस बढ़ाते हैं तो वो बाकी कंपनियों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, और अगर वो अपना रेट कम करते हैं तो कार के क्वालिटी से कम्प्रोमाइज होने लगता है। और दोस्तों यही वजह है कि मारुति, हुंडई और किया इंडियन कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग अपने कार्स में कई चीजों से कम्प्रोमाइज करके कम पैसों में ज्यादा फीचर्स देते हैं। और दोस्तों इसीलिए मारुति और हुंडई इंटरनेशनल मार्केट के क्रैश टेस्ट में जहां 4 से 5 स्टार तक स्कोर कर लेती हैं, वो इंडिया में मैक्सिमम 3 स्टार तक ही ला पाती हैं। अब दोस्तों बात करें अगर रीजन नंबर 2 का तो वो है सर्विस कॉस्ट। दोस्तों अगर हम इंडियन बायर्स की बात करें तो कार लेने से पहले हम उसकी सर्विस कॉस्ट पर काफी फोकस करते हैं, मतलब कार की प्राइस तो दूसरी बात हुई, उस कार पर एक्स्ट्रा खर्च कितना आएगा ये भी हमारे लिए मैटर करता है। और दोस्तों इस चीज में फोर्ड और शेवरोलेट जैसी कंपनीज मार खा जाती हैं। वहीं अगर हम मेंटेनेंस वाइज बात करें तो मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा की कारों का कोई मुकाबला नहीं है। अब बात करें अगर रीजन नंबर 3 की तो वो है ईवी रिवॉल्यूशन। दोस्तों नितिन गडकरी जी का ये प्लान है कि 2030 तक वो इंडिया के मैक्सिमम गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बिल्कुल नया ट्रेंड है और इसका रेट भी बाकी गाड़ियों से काफी ज्यादा हाई है। ऐसे में ईवी के रिवॉल्यूशन को लाने के लिए कंपनियों को R&D पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन दोस्तों जो कंपनियां इंडिया के अंदर पहले से ही लॉस में चल रही हैं, वो एक बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कैसे हो सकती हैं? और अगर वो शिफ्ट हो भी जाती हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो इसमें सक्सेस पा ही लें। ऐसे केस में क्या होगा कि जो कंपनियां काफी पहले से इस चीज पर R&D करती आ रही हैं और कंज्यूमर्स के डिमांड को समझ रही हैं, उनसे कम्पीट करना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों ईवीएस के मामले में इंडिया के अंदर आज टाटा मोटर्स का कोई मुकाबला नहीं है, और इन सारी चीजों से बचने के लिए लॉस मेकिंग कंपनी इंडिया को छोड़ना ज्यादा प्रेफर कर रही है। अब दोस्तों बात करें अगर रीजन नंबर 5 की तो वो है कैब सर्विसेज। दोस्तों 2016 से 2022 तक के कार सेलिंग का रिपोर्ट देखें तो इन 6 सालों के अंदर कार के डिमांड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लगभग हर साल ये नंबर 30 लाख के आसपास ही है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ज्यादा लोग कार परचेज करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अब दोस्तों शहरों में इसका सबसे बड़ा रीजन है कैब सर्विसेज। आज जब भी हमें सिटी के अंदर ट्रैवल करना होता है तो हम ऑनलाइन कैब का यूज कर लेते हैं, जिससे हमें ना तो कार के मेंटेनेंस पर फोकस करना पड़ता है, ना तो पार्किंग पर, ना RTO और ना ही इंश्योरेंस पर। और अगर वहीं हमें इंटरसिटी ट्रैवल करना है तो हम ट्रेन या फ्लाइट का यूज कर लेते हैं। तो इस तरह दोस्तों पर्सनल कार्स की डिमांड में कोई इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में जब डिमांड ही नहीं बढ़ेगा तो किसी चली चलाई ब्रांड को रिप्लेस करना एक लॉस मेकिंग कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और इन सारे कारणों से परेशान होकर फोर्ड, जनरल मोटर्स और शेवरोलेट जैसी कंपनीज आज इंडिया से क्विट कर रही हैं। दोस्तों बात करें अगर रीजन नंबर 5 की तो वो है माइलेज। दोस्तों फोर्ड, जनरल मोटर्स या टोयोटा के फेल होने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि इन कंपनियों के कार परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, और जब व्हीकल के परफॉर्मेंस पर फोकस किया जाता है तो इससे कार के माइलेज पर काफी फर्क पड़ता है। दोस्तों फोर्ड और टोयोटा के कंपेयर में मारुति और हुंडई की कार्स काफी हल्के होते हैं, जिससे गाड़ियों की माइलेज ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों इससे पैसेंजर्स की सेफ्टी से कम्प्रोमाइज होता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है और कौन सी वजह हो सकती है जो कार मेकिंग कंपनीज इंडिया को छोड़कर चली जा रही हैं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे टाटा मोटर्स ने अभी हाल ही में फोर्ड के पूरे प्लांट को खरीद लिया तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना।